अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जनपद गाजियाबाद के ग्राम कलछीना में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत ने ग्राम कलछीना में हाजी जुल्फिकार के आवास पर कृषि कानूनों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभा में गौरव टिकैत ने लोगों से गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया और कहा कि यह किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सबको एकजुट होकर काले कानूनों का विरोध करना चाहिए। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन नेता जय कुमार मलिक ने भी अपने विचार रखे और कहा कि सभी लोगों को भारतीय किसान यूनियन का साथ देना चाहिए। वहीं दिगंबर सिंह ने कहा कि आश्वासन दिया कि सभी भाइयों को गाजीपुर बॉर्डर चलना है और अगर कहीं पर कोई भी समस्या है तो भारतीय किसान यूनियन हर समय आपके साथ खड़ा है। मंच संचालन साजिद तोमर ने किया व अध्यक्षता हाजी अल्ताफ ने की। इस अवसर पर ग्रामीणों में मुख्य रूप से हाजी जुल्फिकार, इस्तकबाल प्रधान, रऊफ तोमर, हसन अली, हाजी गुलजार, उमर दराज, मास्टर गुलबहार, रईस अहमद आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। बत्तीस साल से किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ रही। अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए, अगर सरमू खेड़ी पे जब सबसे पहले जब बिजली के रेट बढ़ाए गए थे, गवर्नमेंट ने उसकी हाफ पावर के रेट बढ़ा दिए थे, तो सबसे पहले जब करमू खेड़ी शामली पे आंदोलन हुआ और उसमें दो किसान शहीद हुए, तो दो किसान में सबसे पहले अकबर अली और जयपाल मलिक थे। ये किसी जाति धर्म का संगठन नहीं है। अगर 2013 के दंगू में एक खाई पाट ने खाई को भरने का अगर किसी ने काम करा तो आपके संगठन भारतीय किसान यूनियन। आज की लड़ाई, आज की स्थिति ऐसी है कि अगर आंदोलन कमजोरी की तरफ को जाएगा, और सही बात कही भाई दिगंबर जी ने कि गाजियाबाद जनपद विशेष उसमें क्यों गिना जाएगा कि जब आपके किसान के स्वाभिमान का, मजदूर के स्वाभिमान का, और यहां तक भी अगर संविधान को भी 28 तारीख को अगर किसी ने बचाया तो वो जनपद गाजियाबाद की जनता ने बचाया। आंदोलन नहीं, नहीं सुनो, रहमान का गांव है ये, शहीद वहीदुर रहमान का गांव है नेताजी। ये जो है ये कभी इनने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई है इस गांव के आदमी ने। राज कुमार के साथ मिलके 17 तारीख में ये इतिहास बनाएगा गाजीपुर बॉर्डर। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है आए और समापन करें। यूनियन के सभी नेता का मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें भी याद करा। इनका बहुत बड़ा एहसान है भाई, इन्होंने हमें याद करा। और किसान का कोई जात बिरादरी नहीं, किसान हर बिरादरी का आदमी किसान हो गया। लेकिन एक बात का दुख है, बॉर्डर पर जगह नहीं मिलती। दास ने जो धोलाना विधानसभा के जो विधायक हैं असलम चौधरी, उन्होंने एक पंचायत रखी और तमाम बिरादरी को बटली करना चाहा। भाई तमाम बिरादरी बटली करके हम इस किसान आंदोलन में जुट गए। प्रशासन ने उसे इजाजत नहीं दी और ये बात हमारे आंदोलन तक भी पहुंच गई। भाई उन्हें आज इजाजत नहीं मिली, तारीख आ गई, रात को फोन आया उन पर, उन्हें भैया मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं क्या बात हुई, हम भी तैयार है जी, मैं जाने को देख तो हम बताना तुम्हें जो डांस ना होनी थी। तो उसमें जो है किसान यूनियन को भी, किसान हर किसान बिरादरी का आदमी को रिक्स लेना चाहिए। पंचायत पूरी होंगी, हम आगे यकीन कैसे करें, कमान दो हुए आतंकवादी ना बताओगे सुबह ही जाते। अभी जयंत कमेटी हुई भोजपुर, कोई परमिशन नहीं,
कोई मतलब नहीं, हम भी गए वहां पे, हमारे गांव से 500 आदमी गए ज्यादा गए 500 से भी, लेकिन किसी ने उस पर हिस्सा नहीं लिया, पंचायत नहीं होगी। अगर पंचायत हो जाती यू मुसलमान बिरादरी तुम पीछे रहते ही हो, अगर आगे अब हम कल को यहाँ 20 ट्रैक्टर लेके जावे कोई रोक ले, का चलो कोई बात ना यार रुके तो उससे हम दुख हो जो डायरेक्ट ट्रैक्टर रोक दिए गए और तो हम कुर्बानी हम देंगे भाई साहब। बहुत बढ़िया। एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मीटिंग उन्होंने करी किसान यूनियन, वो उन्होंने लोकदल वालों ने हमारे गांव में मीटिंग करी, उन्होंने कही वहां गए वहां उनका स्टेज के ऊपर झगड़ा रहा, कैसे एकता चलेगी भाई? सतेंद्र तोमर से कुमारी की जिला अध्यक्ष ने, कितनी बुरी बात है, कैसा संगठन चलेगा? दूसरे को गले से लगाना पड़ेगा, जब चलेगा संगठन, जब मेल होगा तब निकलने 4 दिन की तो बात है ये। कहना भैया 26 जनवरी वाले दिन मेरा फोन आ भी है तुम्हारा भी, और होगा फोन आया 20-25 ट्रैक्टर लेकर हम यहाँ से है जी, और पीछे नहीं हटे जी, आई टी ओ तो गए जब वहाँ 8 बजे लगा, वहाँ से किसान उल्टे फिर लगे, जब हम उल्टे फिरे पहले उल्टे नहीं फिरे, बल्कि पत्रकार मैं भैया मुल्ला जी सभी हूँ, अब मुझे ही नुका जी बताओ गुरूर टूट जाएगा ना टूटता है, फिर हम गुरूर तोड़ने आए यार, सही बात मेरे की डुमा हो गया गुरूर ही तोड़ दे है जी। तो मेरा मतलब कहने का यू है, हमारा गांव हमें पूरे गांव से अपने गांव का यकीन है, जैसा आप कहोगे वैसे करिएगा, जितने ट्रैक्टर होगा वो ट्रैक्टर होगा, 24 घंटे के नहीं, चाहे 24 दिन की जिम्मेदारी देते हो तभी एक हमारा अगर बाल को भेज पूछिए तुम हमें 100% तुम चाहिए हम आपसे निवेदन और अपील करना है, वोट जहाँ चाहोगे वहां दे लियो, लेकिन राजनीतिक आदमी ना बनकर किसान बनकर किसान का झंडा डंडा उठाकर लट उठाकर इस आंदोलन में सहयोग करो, वोट का निर्णय जनता आप अपने आप कर लियो, बहुत बढ़िया, वोट का निर्णय आप लोग अपने आप कर लेना, सब लोग जान रहे सब समझ रहे हमसे ना कमाओ सारी चीज, राजनीतिक दलों में अगर ये कुर्सियों के इतने भुक्के ना होते इतने ना लड़ते तो जनता आज इन नेताओं के कारण ही पीट छित रही, इन नेताओं के कारण ही आज 250 लोग शहीद हो गए, ये आपस में कुर्सी के लिए आपस में जो भी कह रहे माइक छिन लिया था दूसरे छिन लिया था, इन्हें तो कुर्सी चाहिए, ये सहरे भुक्के कुर्सियों में कड़वा सचियो, लेकिन वोट ही नहीं देने किसी ना किसी को, आप कहीं से बदल लोगे अगली बार दूसरी और दूसरी बदल लोगे तीसरी, भाई इस टाइम मौका ऐसा है कि एकजुट होकर संगठन का झंडा उठाकर हम संगठन की तरफ से आप लोगों से वायदा ये कर रहे हैं, करके जा रहे हैं, टेलीफोन नंबर लिख लो भाई गौरव टिकैत जी के सामने कह रहे हैं मौजूद, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून बहाने का काम चल रहा है, कभी हिंदू और मुसलमान का सवाल संगठन के अंदर नहीं हुआ, संगठन की अगर लड़ाई लड़ी गई भोपा आंदोलन हुआ तो मुस्लिम की लड़की थी नहीं माँ, महात्मा टिकैत ने जिसकी लड़ाई लड़ी कभी ये पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अपहरण करने वाला भी मुस्लिम समाज का ही मंत्री था राजनेता था, इस संगठन को अगर जिंदा रखोगे तो ये संगठन इन राजनेताओं पर हमेशा अंकुश का काम करता रहेगा, कौन सी सरकार ऐसी है जिस सरकार में वो किसान नहीं पीटा, कौन सी सरकार ने किसान को दिया यो बताने का काम कर रही है सरकारें, हम कह रहे सिन्ना ठोक कर हम हर सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वोट क्लब पर भी महात्मा टिकैत पर लाठी बजी थी, और जब समाजवादी पार्टी लोकदल की सरकार थी साझे पर तो जब भी जो मुजफ्फरनगर की धरती के ऊपर सिर फूकने का काम महात्मा टिकैत का हुआ था, आती और जाती यही सरकारें रहेंगी, वोट देना हमारी भी मजबूरी है, इन्होंने ज्यादा अत्याचार कर लिया तो किसी और को दिल लगे,
देंगे ही नहीं। हम तो राजनीतिक दल बनाकर वोट मांगने नहीं आ रहे। वह आपसे निवेदन है अपील, हम ये बातें कहना इसलिए नहीं चाहते कि लोगों में राजनीतिक भावना जाता हूँ। इलेक्शन के लिए बावले हो जा, गांव में प्रधान का जब इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन के लिए बावले हो ले, अपने हकों का अधिकार के लिए बावले नहीं होते। तो आपसे निवेदन ये है कि इस टाइम आप संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का काम करो, अपना झंडा डंडा लेकर संगठन पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा। हम कोई राजनीति आप कल कुआ भारी संख्या में कहीं अगर ट्रैक्टर रोक के जाने तो ट्रैक्टर हम लेकर जाने, कोई माइक ला दीजिए जिसको दम जिस मुझे ट्रैक्टर रोकना। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें जब मीटिंग करनी है कल सुबह में कर लो, रोड पर कर लो, बोल रहे कर लो, जहाँ बैठ जाओ। ये मुझे नए लड़के पचास परसेंट ये जाना है कि 2.5 साल से है तहसीलों के ताले लगे, रोड जाम हुए और पूरे एक समय तक हुए। हम ये यूनियन प्रशासन से परमिशन लेती नहीं, ना ये देती ना लेती, अपना काम करे बैठ कर चुप शांति से करे, उस शांति से करते हैं, तुम्हारी संख्या से करते हैं। तो आप जब मर्जी रख लो, हम यही रहे। हमें तो सुबह 9 बजे जानकारी हुई ये कैंसिल हो चुकी, जब कहो जब कैंप लगाए हम आएंगे अपने हाथ से और हम 9 बजे आगे बैठ जाए। तो इना करना हमारा कर ले। जैसे कि आज आपका गाँव कलछीना में आगमन हुआ, किस लिए आए आप? आंदोलन चल रहा गाजियाबाद की धरती पे, तो गाजियाबाद के जो लोग हैं उनको भाई सरकार ने योजना बनाई, सरकार कह रही कि किसान जो है जब गेहूं की कटाई होगी वो अपने आप चला जाएगा, उसके तो काम इतना बैठ जाएगा। किसान ने भी योजना बना ली, एक दिन एक गांव 24 घंटे के लिए रहेगा, 2500 दिन की योजना बन चुकी। तो उसमें कलछीना का भी वो है जिम्मेदारी। कल पंचायत है, पंचायत करने के बाद मैं इनको तारीख बता दी जाएगी, भाई आपकी तारीख उस दिन बॉर्डर पर रहेगी, जिम्मेदारी का। जैसे आप कलछीना में आपको कैसा लगा यहाँ का? अरे तो भाई परिवार है तो अच्छा ही लगेगा परिवार में। तो आगे क्या आश्वासन मिला? सब लोग सहयोग करेंगे, सब लोग सहयोग कर भी रहे, वो तो एक जिम्मेदारी है। जो गाजीपुर बॉर्डर की जो आंदोलन चल रहा है उसकी कमेटी की तरफ से कलछीना को जो है निमंत्रण देने के लिए आए कि भाई आपकी वो तारीख तय कर दी जाएगी, क्योंकि तारीख वो पूरा जो तैयार है खाका कौन से दिन को उनको कलछीना को रहना, तो इनको बता दिया जाएगा। आज ग्रामीणों से मिली है, इनको तारीख जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बता दी जाएगी।